हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। फिजिक्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए लेके आए हैं फिर से फिजिक्स का टॉपिक। और आज का हमारा फिजिक्स में टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये छोटी ही क्लासेस से शुरू हो जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है क्या, दूरी और विस्थापन। जो मैं कह रहा था कि ये टॉपिक आपका छोटी ही क्लासेस से शुरू हो जाता है और ये बहुत आगे 12 तक चलता रहता है। 12 तक इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी कई बार ये रीजनिंग में बन के आता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्या कि आखिर दूरी क्या होती है। देखिए, मैं दूरी की बात करूं तो मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये यहां से मीन यानी ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति वाला पॉइंट हुआ। यहां से क्या होता है कि अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यहां पे मैंने मान लिया ये नॉर्थ है, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारी साउथ है और ये वेस्ट, यानी कि इस तरीके से दिशाएं हो गई। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो क्या करती है, इधर जाती है कितना, 6 मीटर चल के जाती है, ठीक है, यानी नॉर्थ में क्या करती है 6 मीटर चल के जाती है। उसके बाद वो क्या कर देती है, अपने एक किसी भी साइड में चाहे मतलब सीधे हाथ पे या कोई के हाथ पे यानी कि लेफ्ट और राइट कैसे भी टर्न करती है और टर्न करने के बाद वो 8 मीटर ऐसे चली जाती है, ठीक है। अब कोई मुझसे ये पूछे कि बताइए वो अपने मीन पॉइंट यानी कि ओ से इस ए पॉइंट तक कितनी दूर है, यानी उसने कितना यात्रा की है, तो वो जो यात्रा होगी यानी कि टोटल जो यात्रा होगी, टोटल डिस्टेंस यानी कि जो कुल आपकी दूरी है, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी ये सारी जो लेंथ है यानी कि कुल लंबाई के बराबर होगी, यानी कि कुल लंबाई के इक्वल होगी, कुल लंबाई के बराबर इस तरीके से। अब कुल लंबाई मेरी कितनी है, कुल लंबाई इधर 6 इधर 8, तो 6 और 8 को जोड़ा तो ये बन गया हमारा कितना, 14 मीटर। यानी कि जो वस्तु है वो अपने पॉइंट से यानी से यहां से शुरू किया है वहां से 14 मीटर दूरी है, यानी कि वस्तु जिसने जीरो से शुरू किया है वो अपने पॉइंट से अपने बिंदु से कितना दूर है, 14 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये तो था हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब ये बना कि जो टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट होता है यानी कि किसी वस्तु के द्वारा कुल तय की गई दूरी, वो होती है हमारी दूरी, यानी कि क्या, कुल तय की गई लंबाई, ये होती है हमारी क्या, दूरी। इसे कहा जाता है डिस्टेंस, टोटल लेंथ। अब बात करते हैं कि विस्थापन तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो समझिएगा। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये समझ लीजिए कि अगर वस्तु ओ से ए तक चल के नहीं जा रही है बल्कि उड़कर जा रही है, कैसे, चल के नहीं बल्कि उड़कर जा रही है, तो उड़कर जाने का मतलब है कि अब वो ऐसे करके गई होगी, अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि नीचे गली है, सड़क है, नदी है, नाला है, क्या है, फर्क नहीं पड़ता, वो तो सीधे सीधे ऐसे करके गई, ये उसका पॉइंट निकल आया। ये हो गया हमारा 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम से 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 6 का स्क्वायर यानी 36 निकाला, ये हो गया कितना 100, 100 का किया तो 10 मीटर निकल आया। ये जो 10 निकल के आया 10 मीटर, ये आपका है क्या, विस्थापन। क्या है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट की बात की तो जो आपने कुल तय की गई लंबाई है उसको लिख दीजिए क्या, सबसे छोटी तय की गई लंबाई, यानी कि विस्थापन बना हमारा क्या, विस्थापन सबसे छोटी तय की गई लंबाई हमारी कहलाती है क्या, विस्थापन कहलाती है, यानी shortest length covered by an object is known as the displacement। अब देखिए displacement के बारे में मैं कुछ और बातें कहूंगा, जैसे कि ये distance अभी इसकी परिभाषा में आ रहा है कि distance total की cover की गई दूरी है और विस्थापन सबसे छोटी दूरी है। तो देखिए विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, ये चीज गलत होती है, यानी कि विस्थापन दूरी के बराबर तो हो सकता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है यहां से यहां तक गई यानी ए पॉइंट से बी तक गई तो उसकी दूरी भी 5 मीटर मैंने मान ली, 5 मीटर दूरी है तो दूरी भी 5 ही रहेगी और यहां से यहां तक का विस्थापन भी कितना रहेगा, 5 मीटर ही रहेगा, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का जो फर्क है वो दोनों ही केसेस में बराबर रहेगा। तो विस्थापन और दूरी आपका
बराबर तो हो सकता है, ये बराबर तो हो सकता है, लेकिन कभी भी विस्थापन आपका दूरी से बड़ा नहीं होगा। और दूसरी चीज, विस्थापन मोस्टली केसेस में यानी कि ज्यादातर हमेशा छोटा रहता है किससे, दूरी से। विस्थापन छोटा रहता है दूरी से। बात की जाए, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रही है यानी कि उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जगह कवर की है, तो इसका मतलब उसकी रीडिंग कुछ ना कुछ तो बनी है। इस वजह से दूरी कभी भी कैसी नहीं होती, निगेटिव निगेटिव नहीं होती, यानी कि ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। लेकिन विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन निगेटिव हो सकता है। विस्थापन निगेटिव होने का मतलब क्या है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गई, ठीक है, और उसके बाद वापस ऐसे आ गई। अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो इधर ईस्ट को मैंने अगर पॉजिटिव ले रखा है और वेस्ट को मेरा निगेटिव है, तो अब विस्थापन क्योंकि एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होता है, तो सदिश राशियों में इन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि आपको दिशाओं को बताना है। दिशाओं को बताना है यानी कि अगर आपने ईस्ट को पॉजिटिव बता रखा है तो वेस्ट आपका निगेटिव हो गया, अगर आपने नॉर्थ को पॉजिटिव कह रखा है तो साउथ आपका कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तभी आप साइन के जरिए उसकी दिशाओं को भी बता सकते हैं। तो विस्थापन आपका कैसा हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ठीक है। दूरी के लिए एक पॉइंट और आता है कि अगर जैसे अभी मैंने बात की कि एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिली है तो उसने दूरी जरूर कवर की होगी, ठीक है, जरूर कवर की होगी। लेकिन विस्थापन सबसे छोटी लंबाई के साथ एक पॉइंट और है कि पहली और आखिरी बिंदु में फर्क कितना है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपकी यहां से शुरू होके यहां तक गई और लौट के वापस उसी पॉइंट पर आ गई, तो उस केस में विस्थापन आपका जीरो भी हो सकता है, जबकि आपकी दूरी कभी भी जीरो नहीं होती, जीरो नहीं होती। ये हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव रहेगी, रीडिंग में आएगी, और कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं होती। दूरी आपका एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी होता है, विस्थापन आपका एक सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी होता है। दूरी किसी भी वस्तु के द्वारा कुल तय की गई लंबाई होता है, जबकि विस्थापन आपका सबसे छोटी लंबाई होता है, तय की गई सबसे छोटी लंबाई, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का जो फर्क होता है वो हमारा विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट होता है। ये था आज का हमारा दूरी और विस्थापन में फर्क यानी कि अंतर और दोनों की परिभाषाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, फिजिक्स के टॉपिक आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, लेके आएंगे फिजिक्स का एक नया टॉपिक एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।